Hi guys, my name is Anuj Jindal. Welcome to my channel. Today we are going to pick up questions which have been asked in UGC NET 2019 examination on 26th of June 2019. तो 26th June का analysis है paper 1 का. Paper 2 commerce का analysis separately किया जाएगा. इस paper 1 के analysis में मैंने out of 50 questions I probably analyzed 45 to 46 questions. कुछ questions में doubts हैं जिनका clarity हमको तभी मिलेगा when the answer sheet comes out. But as of now, all the answers that I'm going to discuss with you, ये सारे answers reliable हैं, इसमें कोई भी answer controversial नहीं है, so you can completely rely on these answers. ऐसा ही analysis मैं और बहुत सारी videos में कर रहा हूँ for different days of papers of UGC NET. तो आपका paper किसी और दिन हुआ है 26 को छोड़ के, you can forward me your question paper on info@anujjindal.in और उसका एनालिसिस मैं जल्द से जल्द करूंगा. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू गाइज टू सेंड मी दोज क्वेश्चन पेपर्स. इस एनालिसिस से आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आंसर की आती है, यू कैन इमिडिएटली अप्लाई फॉर री इवेल्युएशन ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस. आपको उसके बाद वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पहले आंसर की आई उसका मैं एनालिसिस करूंगा, उसके बाद मैं फाइल करूंगा जो भी मुझे प्रॉब्लम्स हैं. ओके, सो दैट प्रॉब्लम इज कम्प्लीटली रिजॉल्व्ड थ्रू दिस प्रोएक्टिव आंसर की दैट आई एम प्रोवाइडिंग. अगर ये लेसन पसंद आता है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. हुएवर हैज़ टेकन दी एग्जामिनेशन फ्रॉम कॉमर्स फील्ड, उनका पेपर वन का एनालिसिस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. सो शेयर इट ऑन योर टाइमलाइन, शेयर इट ऑन इंस्टाग्राम, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, सो दैट एवरीबडी इज एबल टू एनालाइज देयर पेपर्स एंड यू कैन डिस्कस मोर एंड मोर अबाउट इट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन. दिस इज द पार्ट वन जनरल एप्टीट्यूड दैट यू कैन सी हेयर एंड दीज आर द क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर वन. ये सो समझना ज़रूरी है कि बहुत सारे अलग अलग सेशंस में द क्वेश्चंस ऑफ पेपर वन वर द सेम, ओनली द नंबर्स वर इंटरचेंज्ड. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च पैराडाइम्स द फोकस ऑफ कंसर्न इज ऑन इंटरप्रेटिंग रियलिटी इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये होता है. अभी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट जहाँ पर भी इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी की बात आती है वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है. ये क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, बहुत कन्फ्यूजन है. लेट मी क्लैरिफाई. द क्वेश्चन इज एरिक मेडलाइन एंड ए बी आई और इन्फॉर्म आर इंस्टेंसेज ऑफ. अब ये मेडलाइन और ए बी आई इन्फॉर्म तो वेरी क्लियरली दीज आर ई डेटाबेसेस, दीज आर विदाउट एनी डाउट ई डेटाबेसेस. एरिक इज द नेम ऑफ अ लाइब्रेरी विच इज डिजिटल इन नेचर. सो शॉर्टली और इन शॉर्ट इट इज़ अ डिजिटल लाइब्रेरी, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ही प्रोवाइड कर रहा है. तो यहाँ पर बहुत लोगों ने डी और फोर लाइब्रेरीज को आंसर किया है, विच इज़ इनकरेक्ट बिकॉज एरिक इज अ लाइब्रेरी, बट ऑल द मोर इट इज़ अ डिजिटल लाइब्रेरी विच मीन्स इट हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस. और मेडलाइन एंड ए बी आई इन्फॉर्म आर क्लियरली इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसिस. तो ये हमारा बेस्ट आंसर है यहाँ पर. अगर करेक्ट आंसर भी नहीं बोलेंगे तो बेस्ट आंसर इसको यहाँ पर बोलेंगे. सो सेकेंड इज द बेस्ट आंसर है. स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मेंट फॉर एंगेजिंग द एंटायर क्लास. बहुत सारों को कन्फ्यूजन था यहाँ पर भी. सम पीपल वर सेइंग रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स शुड हैव बीन द आंसर, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम का फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि टीचर ओरिएंटेड लेक्चर को कम कर दें, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बड़ा ये है कि एंटायर क्लास को एंगेज करें जिससे कि स्टूडेंट टीचर ओरिएंटेड लेक्चरिंग कम हो जाए. ओके, सो टीचर ओरिएंटेड लेक्चरिंग इज एन आउटकम ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड नॉट द ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ. इसलिए आंसर हमारा फोर होगा. एंगेजिंग, प्लानिंग एंड सेल्फ असेसमेंट, ये तीन कीवर्ड्स हैं जो आपको सब जगह मिल जाएंगे व्हेन यू रीड अबाउट स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम, जो मैंने भी अपने कोर्स में बताए थे. तीन कीवर्ड्स, एंगेजमेंट, प्लानिंग एंड सेल्फ असेसमेंट. तो वहाँ से ही ये क्वेश्चन उठाया गया है विद वन ऑफ दीज कीवर्ड्स. फोर्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग टीचिंग एड्स कैन बी यूज बाई टीचर इन अ क्लासरूम एज अ लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन. ईमेल हम कभी भी लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस की तरह नहीं यूज़ कर सकते. तो जहाँ पर भी ए है उसको काट दिया जाए तो हमारे पास टू और थ्री बचे हैं बस, बी सी डी एंड सी ई एफ. अब ब्लॉग भी कभी भी लाइव नहीं होता है, इसीलिए लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस की तरह नहीं यूज़ हो सकता. तो एफ़ भी हटा दिया जाए. एफ़ यहाँ से हटाया तो हमारा ऑप्शन बचा सेकेंड.
तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ से हमने ये सीखा कि ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं एंड एट सर्टन पॉइंट्स एलिमिनेशन इज़ फास्टर एंड मोर एफिशिएंट एंड मोर एक्यूरेट देन एक्चुअली फाइंडिंग आउट दी आंसर डायरेक्टली। ओके, तो एलिमिनेशन ज़रूर यूज़ करिए जैसे मैंने यहाँ पर किया है। आई हैव डन इट ओनली टू एक्सप्लेन टू यू कि एलिमिनेशन कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वॉट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने डिस्कस किया था इवेल्युएशन में फॉर्मेटिव क्या होता है। स्टूडेंट की लर्निंग को एनहैंस करना फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंडर आता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल आंसर। इन्होंने आंसर किया है टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टीज विच इज़ इनकरेक्ट हेयर, टू एनहैंस स्टूडेंट्स लर्निंग इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इसका आंसर थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है इसीलिए मैंने इसको सर्कल किया हुआ है, स्टार भी कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव, इसमें कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को बहुत सारा। कुछ लोग बोल रहे हैं इट शुड बी फोर्थ एंड थर्ड, मतलब कोलैबोरेटिव शुड बी व्हेन स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर टू लर्न एंड कोऑपरेटिव शुड बी व्हेन स्टूडेंट्स शेयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ लर्निंग एक्टिविटी। बट पर्सनली अकॉर्डिंग टू मी कोलैबोरेटिव शुड बी व्हेन स्टूडेंट्स शेयर different aspects of learning and cooperative should be when students help each other to learn, because cooperative mein students are trying to cooperate with each other, helping each other out and learning different things, but learning activity ke aspects ko share karna wo ek next level ho jata hai, because collaboration is above cooperation. Pehle cooperation aata hai, phir collaboration aata hai, to collaboration is one step ahead of cooperation, therefore it should be technically be third and fourth. तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड होना चाहिए, जो भी यहाँ पे आंसर किया है मार्क स्टूडेंट ने भी, बट सम स्टूडेंट्स वर सेइंग थ्री, इसलिए मैंने इसको कंट्रोवर्शियल मार्क किया है। रिसर्च डिज़ाइन दैट नीड्स टू कलेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑन अ कॉन्टिन्यूइंग बेसिस इज क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिज़ाइन, नो कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अ टेंटेटिव प्रोपोजिशन विद अननोन वैलिडिटी दैट स्पेसिफाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड रिसर्च हाइपोथेसिस, यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है, स्टेटमेंट से ही उठाए रिसर्च हाइपोथेसिस की डेफिनेशन से। अ टीचर इंटेंड्स टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स विच आर द फॉलोइंग टेस्ट्स कैन बी यूज्ड, अगर लर्निंग डिफिकल्टी को पता करने की जरूरत हो रहा है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट वो यूज करेगा। इट्स टू एक्सप्लेन फॉर्मेटिव समेटिव परफॉर्मेंस डायग्नोस्टिक, ये मैंने सारे एक्सप्लेनेशंस कोर्स में वीडियो के फॉर्मेट में भी दिए हैं, तो आप ज़रूर उसको देखें। स्नोबॉल सैम्पलिंग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नेटवर्क से कनेक्टेड है, नो डाउट अबाउट इट। ये क्वेश्चन सरप्राइजिंगली आरसी का है और कॉन्ट्रोवर्शियल है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो बताएं, आई विल टेल यू व्हाट द कन्फ्यूजन इज। क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स इज अज्यूम्ड बाई द लैंग्वेज स्टाइल ऑफ अ पर्सन, एक आदमी के लैंग्वेज स्टाइल से क्या अज्यूम किया जा सकता है। कुछ लोगों ने मार्क किया है रिएक्शन, कुछ लोगों ने हैबिट, कुछ लोगों ने थॉट भी मार्क किया है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ क्या कन्फ्यूजन है। स्टेटमेंट जो मार्क कर रहा है यहाँ पर लिखा है परहैप्स दिस इज बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स टेंड टू रिएक्ट रैदर देन रेस्पॉन्ड, इसीलिए यहाँ पर कुछ लोगों ने रिएक्शन मार्क किया है। बट अगर आप बात करें इफ़ यू रीड थ्रू दी आरसी यू विल सी एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज। एनिमल्स हैव अ रूडिमेंट्री इन्फॉर्मेशन सिस्टम बट दिस प्रोसेस डज नॉट हैव द सोफिस्टिकेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। इफ़ टू डॉग्स कम्युनिकेट दे पास आउट इन्फॉर्मेशन विदाउट दे कैन नॉट डिस्कस डिटेल्स द वे ह्यूमन्स डू, वाइल ह्यूमन्स आर ब्लेस्ड टू पजेस द लैंग्वेज फैकल्टी मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट यूटिलाइज इट टू द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल, मतलब वो उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं। इन द डेली यूज पीपल फॉरगेट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू पुट एवरी वर्ड इन वन प्लेस, तो यहाँ पर हैबिट भी वर्ड यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर हैबिट भी आंसर हो सकता है, रिएक्शन भी आंसर हो सकता है। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन है, सो आई डिसाइडेड कि हम लोग इसको अभी साइड में रखते हैं। द वर्ड बिकेम अ साइलेंट प्लेस विल बिकम अ साइलेंट प्लेस इफ पीपल विल थिंक बिफोर स्पीकिंग, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड उठाया गया है, नो कन्फ्यूजन हेयर, आंसर इज फोर। When human beings react rather than respond, they lose the message. Very clear question, very clear answer. Animals do not possess language because the level of complexity is missing. ये हमने dogs वाले example में अभी पढ़ा। The process of language is a wonder because it is involuntary. ये भी बहुत clear है, कोई confusion नहीं है। Consider the arguments provided below. Sound is impermanent because it is invisible. Identify the fallacy involved in the above argument on the basis of Indian language.
फॉलेसी ऑफ इरेलीवेंट रीज़न, फॉलेसी ऑफ ट्रिवियल रीज़न, ये दोनों में कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों ने ए मार्क किया, कुछ लोगों ने वन मार्क किया, कुछ लोगों ने थ्री मार्क किया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को साइड में रखा है। वन या थ्री में से कोई भी हो सकता है, क्लैरिटी हमको आंसर शीट के बाद ही मिलेगी। 17th बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। आंसर 3 है, 2200, ये इसका शॉर्टकट मेथड है सॉल्व करने का। 90% 1800 है तो 10% 200 होगा। 10% 200 कॉस्ट प्राइस का होता है हमेशा, इसीलिए वो 10% अनलेस स्पेसिफाइड 200 ही रहेगा। तो अगर वो 10% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है तो भी उसका 10% 200 ही रहेगा, तो 2000 पे 200, 2200 हो जाएगा। टू साइकिल्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेसेज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है डायग्राम के थ्रू। एक नॉर्थ में जाता है 9 km/h, एक साउथ में जाता है 10 km/h। व्हाट टाइम विल दे टेक टू बी 47.5 km अपार्ट? तो एक घंटे में वो 19 km दूर जा रहे हैं, तो दो घंटा प्लस आधे घंटे में वो 47.5 km अपार्ट होंगे। आंसर बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स अ गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड अडॉप्ट? कौन कौन से एलिमेंट्स अडॉप्ट करने चाहिए? कॉन्क्रीटनेस, कर्टसी और कोहेरेंस, ये सबसे क्लियर आंसर्स हैं। फिलीबस्टरिंग सर्टेनली कैन बी एलिमिनेटेड। फिक्शनलाइजेशन में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि फिक्शनलाइजेशन करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा इफेक्टिव हो, बट फिक्शनलाइजेशन क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, बट अच्छे क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए सर्टेनली कई बार अच्छा नहीं होता है, बिकॉज उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। दैट्स वाई फिक्शनलाइजेशन हैज़ ऑल्सो बीन रिमूव्ड। और ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं था जो ए बी ई के साथ डी भी अटैच कर सके, इसलिए हम लोगों ने बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया है। नो डाउट अबाउट दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द माइनर टर्म इन द फॉलोइंग सिलोजिज्म। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कुछ कन्फ्यूजन हैं लोगों को। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड हैव बीन वन, बट देर आर सम कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने इसको भी साइड में रखा है। एंड देर आर्ग्यूमेंट्स आर समवॉट वैलिड एट सम प्लेसेज, तो इसको हम लोग अभी एनालाइज नहीं कर रहे हैं, इसको वेट करेंगे आंसर के आने का। एवरेज एज 59 स्टूडेंट्स का 18 ईयर्स है। टीचर का एज अगर इंक्लूड करते हैं तो एवरेज एज इंक्रीज हो जाता है 3 मंथ से। टीचर का एज कितना होगा? यहाँ पे देखिए, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने स्टेटमेंट्स बनाई। नंबर वन है 59 × 18, ये टोटल एज हो गया सारे 59 स्टूडेंट्स का। अब एक टीचर ऐड किया तो 60 × 18 हो गया, प्लस 60 × 3/12, क्योंकि 3 महीने और बढ़ जाता है, तो 60 × 18 प्लस 60 × 3/12 देर टर्न अगेन इंटू ईयर्स, ये 3 महीने मतलब 3/12 साल। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर अगर हम इसमें से माइनस करें इसको, 60 × 18 माइनस 59 × 18, तो 18 साल बढ़े और यहाँ पर हमारे 15 साल बढ़े, टोटल 33 ईयर्स हमारे बढ़े, विच इज़ दी आंसर। एज ऑफ द टीचर इज 33 ईयर्स ओल्ड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स ने ज़्यादा टाइम लिया इसको कवर करने में, बिकॉज वट द डेड वॉज इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर 60 × 18 को सॉल्व कर रहे हैं, फिर 60 × 3/12 को सॉल्व कर रहे हैं, फिर माइनस कर रहे हैं। यू डोंट नीड टू डू दैट, इस तरह से आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। द रीजनिंग विच वुड बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड इज स्पेक्यूलेटिव, इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालॉजिकल। रीजनिंग विच वुड बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग न्यू नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, यहाँ पर इंडक्टिव मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का थोड़ा कन्फ्यूजन था, बट आई बिलीव दैट इंडक्टिव शुड बी दी करेक्ट आंसर हेयर। इन क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स राजन इज प्लेस 7th फ्रॉम द बॉटम, वेयर एज करण इज प्लेस 9th फ्रॉम द टॉप। तो हमने इस तरह से बनाया, यहाँ पर करण की 9th है टॉप से और राजन की 7th है बॉटम से, और 35 स्टूडेंट्स हैं, तो इनके बीच में 19 स्टूडेंट्स और हो गए। अब उस 19 में से सबसे बीच में दिव्या है, मतलब दिव्या की प्लेस हो गई 10th हो गया बीच में सबसे। तो दिव्या के नीचे कितने लोग हैं, दिव्या और राजन के बीच में कितना डिफरेंस है? राजन बिलो से नीचे से 7th है और दिव्या की रैंक जो है वो 17th है, क्योंकि 10 + 7 = 17। तो 7th और 17th को माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा, मतलब दोनों के रैंक्स में डिफरेंस हो गया 10। कुछ लोगों ने 9 भी मार्क किया है, विच इज़ इनकरेक्ट। ये कॉन्ट्रोवर्शियल है क्वेश्चन, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसको अभी। 25th में भी कन्फ्यूजन है प्रमाणा के ऊपर, इसलिए इसको भी अभी हम फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं। इफ़ ड्राइवर इज इक्वल टू 12, गवर्नमेंट इज इक्वल टू 20, बिलीव इट इज इक्वल टू 16, बैट इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ड्राइवर में 6 letters हैं मतलब 12 डबल, गवर्नमेंट में 10 letters हैं डबल 20, बिलीव में 8 letters हैं डबल 16, बैट में 3 letters हैं डबल 6। आंसर हो गया 6, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली ऑर्गेनिक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो आप बोल नहीं रहे हो, जो आप अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हो, आइज़ के थ्रू, लिप्स के थ्रू,
फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑर्गेनिक होता है बिकॉज उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता टू अ लार्ज एक्सटेंट. मैकेनिकल नहीं हो सकता, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं हो सकता, बहुत बार स्ट्रक्चर भी होता है उसको, तो इसलिए स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों ही आउट हैं. तो आंसर हो गया ऑर्गेनिक. बिलो आर गिवन टू सेट्स, दो सेट्स दिए हुए हैं, इसका आंसर फोर्थ है वेरी क्लियरली, नो डाउट अबाउट इट. नॉन लिसनर, मार्जिनल लिसनर, इवेल्युएटिव लिसनर एंड एक्टिव लिसनर. सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजिली हो गया, इसलिए डिस्कस नहीं करते हैं. विच आर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स अ गुड कम्युनिकेटर शुड फॉलो. आंसर है इसका 4A, D and E. ही शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ विजुअल्स. अब ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, विजुअल्स तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करने चाहिए जिससे कि ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन हो. तो बी जहाँ पर भी है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, बी बी और बी. तो हमारे पास एलिमिनेशन से सीधा आंसर आ गया 4. हमको और सारे ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइस ऑफ आइटम ए इंक्रीजेज बाय 50 पैसा एवरी ईयर व्हाइल द प्राइस ऑफ आइटम बी इंक्रीजेज बाय 25 पैसा एवरी ईयर. मतलब हर साल में ए का प्राइस बी के कंपैरिजन में 25 पैसा इंक्रीज होता है. 2008 में ए का प्राइस था ₹3.20 और बी का प्राइस था ₹5.30, मतलब ₹2.10 का डिफरेंस था. कौन से साल में ए 40 पैसा ऊपर होगा बी से? तो हर साल 25 पैसे बढ़ता है, मतलब 8 साल में तो ₹2 बढ़ेगा. ओके, 8 साल में ₹2 बढ़ा, अब भी 10 पैसे का फ़र्क है. 9th ईयर में 0.15 या फिर 15 पैसे ऊपर होगा, क्योंकि ₹10 का गैप है, 25 पैसा बढ़ेगा तो 15 पैसे ऊपर जाएगा. और 10th ईयर में 8 साल 9 साल 10 साल 10th ईयर में वो 0.15 प्लस 0.25 मतलब 40 पैसे ऊपर जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है. मतलब 2008 के बाद 10 साल, तो 2018 हमारा आंसर हो गया. ये क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी, बट आपको कैलकुलेशन करनी नहीं थी. आप एक्चुअली बिना कैलकुलेशन के भी इसको आंसर कर सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन करनी थी. ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें टेबल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा टेबल लग रहा है देखने में, बहुत सारे डिजिट्स दिए हुए हैं. क्वेश्चन वन इज विच वॉज द ईयर व्हेन द स्टूडेंट्स फ्रॉम ईस्ट जोन हैड मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन द टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ. ईस्ट जोन का सबसे ज़्यादा था. अब आप देखिए, इसको बस सम करना है आपको, 44.947 ये आपने टोटल निकाल लिया, क्योंकि आपको परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन निकालना है. अब जहाँ पर ये सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा. 2014 में देखिए 8.2, 44.9 सबसे कम, और सभी इसमें बढ़ रहा है. यहाँ 7.8 बट 47, ये 47 हो गया, मतलब इंक्रीज कितना है, ₹2.10 का, अगर आप रुपीस के हिसाब में लगाएं. और यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ है, 0.4 का, तो इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. 8.5 हुआ है, 47.7 ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों बढ़ रहे हैं. 7.6, 48.9 ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. और 8.6 एंड 51.5 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं. तो जहाँ पर गैप सबसे ज़्यादा है, उसका वो आंसर हमारा सही हो जाएगा. तो मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन हमारा 2014 में हुआ. पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आप आंसर निकाल सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32. व्हाट वाज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इन 2018? 2018 में टोटल हमारा 51.5 हमने निकाला था, 2.5 रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 4.8 आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, विच इज़ द क्लोजेस्ट हेयर. आंसर हो गया 4. विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड ओवरऑल मैक्सिमम ग्रोथ रेट फ्रॉम 2014 टू 2018? देखिए, इसमें भी पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ 15 से 18 हुआ है, कितना, 3 का इंक्रीज. ओके, यहाँ 10 से 10 ही रहा है, कुछ इंक्रीज़ नहीं है ज़्यादा. 6 से 6 नो इंक्रीज, 4 to 5.4 1.4 का इंक्रीज, या 8 से 8.6 बहुत कम इंक्रीज, या 1.2 से सीधा 2.5 हो गया, मतलब डबल हुआ है. तो डबल हुआ है तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, इसलिए आंसर हमारा एनालिसिस से ही आ गया, हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. बहुत स्टूडेंट्स ने सॉल्व करके टाइम वेस्ट किया है. ड्यूरिंग द ईयर 2014-18 विच जोन एग्जिबिट्स साइक्लिक वेरिएशन. साइक्लिक वेरिएशन मतलब ऊपर नीचे बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है. तो साइक्लिक वेरिएशन ईस्ट जोन में है, और किसी भी जोन में साइक्लिक वेरिएशन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ जोन. तो हमने इसको आंसर किया, नॉर्थ जोन में स्टूडेंट स्ट्रेंथ की परसेंटेज कितनी है, एनुअल ग्रोथ रेट. तो एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे 1.1 है आउट ऑफ 15.1, सेकेंड में 1 है आउट ऑफ 16.2, थर्ड में 1.2 आउट ऑफ 17.2,
फोर्थ में 0.6 आउट ऑफ 17.4, और मीन निकालना है तो डिवाइडेड बाय 5 हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज़ द करेक्ट वन हेयर, 4.51। NMEICT बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्कस किया था हम लोगों ने, रिविजन में भी डिस्कस किया था इनफैक्ट, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। क्वेश्चन 37 थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसको इसीलिए हम लोग स्टार और सर्कल मार्क कर रहे हैं, साइड में रख रहे हैं। साइन स्कीम उन्नत भारत अभियान एम्स 2, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उन्नत भारत अभियान हम लोगों ने 5 MCQ सीरीज़ निकाली थी, उसमें भी डिस्कस किया था, तो आप लोगों ने अगर वो की थी हैंडल तो आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई दी इनकम पासिंग टर्म दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स टू कंडक्ट अ कंपनीज बिजनेस। यहाँ पर कन्फ्यूजन है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस एंड ई-कॉमर्स इज सिंपली buying and selling goods or services online. तो ये खाली buying and selling की बात करता है, लेकिन कंपनी के सारे बिजनेस की बात नहीं करता है। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जो भी बिजनेस कर रही हो वो खाली buying और selling ही हो ऑनलाइन, लेकिन there are lot of businesses which are not involved in buying or selling of stuff, which are providing some other services. For example, Khan Academy, they are not buying anything. दे आर नॉट सेलिंग एनी थिंग, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू सर्टन सर्विसेज। तो वो ई कॉमर्स में नहीं आएगा, वो ई बिजनेस में आएगा, इसीलिए यहाँ पर इनकम पासिंग टर्म बिगर टर्म लिया गया है, विच इज़ ई बिजनेस। सो द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी शुड बी ई बिजनेस एंड नॉट ई कॉमर्स। विच आर द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिंक ऑफ CO2, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड फॉरेस्ट, विच इज इनकरेक्ट। लार्जेस्ट सिंक ऑफ CO2 इज ओशंस। जनरली एसोसिएटेड विद द डोमेन नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आई बिलीव द इजिएस्ट क्वेश्चन .edu। वन ऑफ द पैरामीटर्स यूज टू कैरेक्टराइज एयर क्वालिटी एट अ लोकेशन इज PM 2.5। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने लेकिन गलत मार्क किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट आंसर किया है, बट द करेक्ट आंसर इज 2 हेयर। ये क्वेश्चन में भी कॉन्ट्रोवर्सी है, इसलिए इसको हमने साइड में रख दिया। नॉट कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, रैम इज अ प्राइमरी स्टोरेज, सो आंसर इज 1। विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेज इनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन लाइन्स, मॉडम। मॉडम क्या करता है, मॉडम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करता है और फिर एनालॉग को डिजिटल में ट्रांसफॉर्म करता है वापस। सो इट इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन लाइन्स। नॉन वहीकुलर पॉल्यूशन क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, विच इज़ फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स मेनली। गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का पर्पस क्या है, टू प्रमोट इक्वालिटी एंड एक्सेलेंस। अगर गुरुकुल सिस्टम को आप गूगल भी करेंगे तो आपको इक्वालिटी और एक्सेलेंस जैसे कीवर्ड्स ही मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर सारे वर्नास के ट्रेडिशनली अगर 4 वर्नास होते हैं, बेचार ब्राह्मण क्षत्रियाज देन द ट्रेडर्स एंड देन यू हैव दी हरिजन्स, तो अगर ये 4 वर्नास हैं तो इसमें से इन चारों को भी साथ में बैठा के पढ़ाया जाता था गुरुकुल सिस्टम के अंदर। चूज़ द सेट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पर सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, जियोथर्मल एनर्जी इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो एलिमिनेशन से हमने आंसर निकाला 2nd। स्वयं बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी मल्टीपल सेक्शंस मल्टीपल सेशंस में आया है। डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, वेरी सिंपल, टेकन फ्रॉम द वेबसाइट डायरेक्टली। विच आर द फॉलोइंग डिजीजेज आर ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं आता था जब मैंने एग्जाम लिखा, जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग, आई ऑलरेडी हैव अ JRF इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बोथ। तो ये क्वेश्चन मैं देने गया और मैंने देखा कि टाइफॉइड, देखिए गियार्डिया मुझे नहीं पता क्या होता है, एमोबायोसिस मुझे नहीं पता क्या होता है, आई डोंट नो वॉट आर दीज। डेंगू आई नो क्या होता है, टाइफॉइड आई नो क्या होता है। डेंगू गंदे पानी से नहीं होता है, डेंगू साफ पानी में मच्छर होने की वजह से होता है, विच इज़ अ डेंगू मच्छर। ओके, तो डेंगू सर्टेनली कैन नॉट बी द आंसर। तो जहाँ पर भी डेंगू है बी, उसको काट दिया जाए तो हमारा आंसर ACD ही बचता है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन, ये सॉरी दिस इज़ फॉर कॉमर्स। तो ये हमारे सारे 50 के 50 क्वेश्चन हो गए जो मैंने एनालाइज किए। इन क्वेश्चंस में से मेजॉरिटी क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस में कॉन्ट्रोवर्सीज हैं विच विल बी क्लियर्ड वंस दी ऑफिशियल आंसर की कम्स आउट। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। और अगर आपके पास दूसरे डेज के क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्लीज़ फॉरवर्ड इट टू मी info@anujjindal.in। मैं आपको सारे आंसर्स जल्द से जल्द उनके एनालाइज करके प्रोवाइड करवाऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, आई होप यू गेट JRF एज सून एज पॉसिबल। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।